बेगम नुसरत भुट्टो यूनिवर्सिटी है, पहली यूनिवर्सिटी सिंध की जो पब्लिक सेक्टर बनी है फॉर स्पेशली ओनली फॉर द गर्ल्स। और आप देख रहे हैं यहाँ पे बड़ा काम हो रहा है और इंशाल्लाह मजीद काम होगा। और ये भी हम वीसी साहब को और उनकी पूरी टीम को खराज तहसीन पेश करते हैं कि इतना जल्द इन्होंने स्टार्ट भी कर दिए क्लासेस और फौरन ही यहाँ पे शिफ्ट भी हुए हैं, ताकि इस यूनिवर्सिटी में जो काम रहते हैं फिज़िकली और जो भी इसमें हर्डल्स हैं उनको ख़ुद बैठ के यहाँ पे कैंप ऑफिस करके हल कराया जाए। और आज का विज़िट का मतलब भी ये था कि मज़ीद इस पर डिस्कस किया जाए जो जो प्रॉब्लम्स हैं गवर्नमेंट के हवाले से, फंड्स के हवाले से, फाइनेंशियली प्रॉब्लम्स हैं या कोई और यहाँ पे लोकली इश्यूज़ हो रहे हैं, तो उनके मसलों को हल किया जाए इंशाल्लाह। बड़ा अच्छा काम चल रहा है और बड़ी ही हर जगह से तारीफ़ आ रही है कि पूरे सिंध में पब्लिक सेक्टर पहली गर्ल्स यूनिवर्सिटी है और 300 से ज़्यादा यहाँ पे रोल है इस वक्त अभी जो वीसी साहब से डिस्कस हुआ, और ज़्यादा इनके पास भी एप्लीकेशन आई हैं इस साल के हवाले से, तो इंशाल्लाह आप देख। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे बहुत खुशी होती है वे कहते हुए कि तकरीबन पूरे सिंध से जो है वो हमारे पास बच्चियां आ रही हैं, बल्कि कुछ पंजाब साइड से भी आ रही हैं बच्चियां। मतलब ये सिर्फ सखर की बच्चियां नहीं हैं, यहाँ पर लाड़काना, घोटकी, शिकारपुर, ये तो मैं आपको करीब के इलाके बता रहा हूँ, इसके अलावा नवाबशाह, हैदराबाद, कुछ बच्चियाँ हमारे पास कराची से भी हैं, कुछ हमारे पास जो है वो पंजाब साइड से भी बच्चियाँ आ रही हैं। तो हमारे पास माशाल्लाह से बच्चियाँ, 6 डिपार्टमेंट्स हैं हमारे पास, 2 फैकल्टी हैं हमारे पास, तकरीबन 600 बच्चियाँ हमारे पास ऑलरेडी पढ़ रही थी। जैसे नासिर हुमैद साहब ने बताया कि जो है तकरीबन 300 से ज़्यादा बच्चियाँ इस वक्त हमारे पास आ चुकी हैं, ये तादाद भी बढ़ती जा रही है। तो अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन 1000 के करीब जो है वो बच्चियाँ हमारे पास हो जाएंगी, और अल्हम्दुलिल्लाह हम पूरे सिंध की खिदमत कर रहे हैं, पूरे सिंध से बच्चियाँ हमारे पास आ रही हैं।